हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के कैमरे को कंट्रोल करेंगे। हमें इसके लिए दो ऐप्स लगेंगे, आई वीडियो और आई पी कैमरा। तो हम पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से आई पी कैमरा ऐप को इंस्टॉल करेंगे। ये ऐप फ्री है और अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इस ऐप में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर लोकल ब्रॉडकास्टिंग नाम का एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी सेव करेंगे। फिर नीचे जाकर स्टार्ट सर्वर पर क्लिक करेंगे, फिर आपका एक सर्टिफिकेट क्रिएट होगा। आपको कुछ परमिशंस अलाउ करनी पड़ेगी। अब हम दूसरा ऐप इंस्टॉल करेंगे। अब हम फिर से प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर आई वीडियो एंड वीडियो सर्विलेंस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन दो ऑप्शन दिखेंगे। आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मैंने साइन इन कर लिया है और मेरे दूसरे फ़ोन को इस फ़ोन से कनेक्ट किया है। अब मैं दूसरे फ़ोन के कैमरे से इस फ़ोन में देख सकता हूँ। ये सब लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। आप इसमें स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और इमेज को सेव कर सकते हैं और इस वीडियो में क्वालिटी भी एडजस्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा लाइव वीडियो। जिस मोबाइल में हमने आईपी कैमरा ऐप इंस्टॉल किया है उसे हम दरवाजे में लगा देंगे और दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन को एक्सेस करेंगे। हमें सिर्फ 100 kbps स्पीड लगती है और यह हमारे होम सिक्योरिटी में बहुत काम आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।